केड़ा धर्म कितां दा है। अज हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, धर्म नहीं असल विच मजहब हन, मजहब धर्म इको ही है। धर्म है कुदरत दा जेड़ा विधान है, लॉ ऑफ नेचर, हुक्म निजम विधान है जेड़ा, वह एक धर्म है। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ, सिखां दे रब तों मैं नास्तक हां। जो गुरु ते गुरु दी बाणी ते उस निरंकार ते किंतु करते ने, उना वास्ते एह वीडियो है। जो कहंदे ने कि कौतक हो ही नहीं सकते, चमत्कार हो ही नहीं सकते, एह सब कहियां सुनियां गल्लां ने। अज सबूतां दे नाल तुहाडे रूबरू एक अजिहा चमत्कार करन जा रहे हां, जिस नूं वेख के अजिहे अखौती प्रचारकां नूं शायद सुध आ जावे। जो आखदे ने कुदरत ही सब कुछ है, पर ओ शायद ए भुल गए ने, इस कुदरत नू रचन वाला भी कोई बैठा है, जिसका बार बार बाणी विच भी जिक्र आंदा है, जिस दे हाथ हर शै दी डोर है। सो आओ अपन गल करिए कि की रब अपने नियम बदलता है कि नहीं बदलता। देखो वाहिगुरु जी जिवें मैं पहले दस्या सीगा कि उन्होंने नियमां नू बनाया है, सो एनी टाइम ही कैन चेंज हिज लॉज। जिवें उन्होंने भगत नामदेव जी वास्ते अपने नियम बदले। If you read रहरास साहिब आसा दी वार, इहदे विच इक पंक्तियां आपां डेली पढ़दे आ, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया। कि वाहिगुरु जी ने की किता, अहंकारी निंदक जिहड़े पंडित सीगे, जिहड़े भगत नामदेव जी दी निंदा करदे सीगे, उहनां नूं की किता, पिठ दे, उहनां नूं पिठ दे दित्ती ते नाम देओ मुख लाया। भगत नामदेव जी वल अपना मुख ला दिता। किदां? इह इतिहासिक वार्ता आ जिहदे बारे बाणी विच महाराज ने सानूं दस्या आ, फेर दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवाड़ा। कि वाहिगुरु जी ने की कृपा कीती कि नामदेव जी वास्ते मंदिर पूरा घुमा दिता, ते जिहड़े अंदर पंडित अहंकारी बैठे सी उहनां वल मंदिर दा पिठ कर दित्ती। सो इहदे बारे आओ आपां देखिए कि इह किदां पॉसिबल हो सकदा, इहदे की प्रूफ ने। आओ उत्थे दे जिथे इह मंदिर स्थित है उत्थे दे गाइड तों आपां गल जाणीए। देखिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेहरी। देखिए बाबा जी, इह जो मंदिर पुराना है, 5,500 साल पुराना इह मंदिर, पांच और पांडव ने बनवाया है। इस मंदिर को ना तीन डोर है, एक है मंदिर के दक्षिण में, उधर एक उत्तर में, और एक है पश्चिम में। ये पश्चिम वाला मेन गेट इसी 1212 में यानी 750 साल पहले आ मंदिर के चढ़ते पासे था पूरब में। जो महाराष्ट्र में के बड़े संत है, संत नामदेव महाराज, वो पंडरपुर से यहाँ पर लंगे पर आए थे अपना गुरु कीर्तन जानकारी साखी सुनाने के लिए। तब मंदिर के चढ़ते पासे बैठ के वो गुरु कीर्तन कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला चालू था, लाखों संगत यहाँ पर दर्शन के लिए आई थी। तब उन्होंने दर्शन नहीं किया था, नामदेव जी के पास रुक गए थे भजन कीर्तन सुनने के लिए। तब अंदर को कुछ पुजारी थे, उनको पैसे मिल रहे थे पैसे। जब उन्होंने बाहर आके देखा, एक छोटे जात का बंदा है, कुछ भी बता रहा है, इसको कोई अधिकार नहीं है। तो नामदेव जी को पूरब से धक्का मुक्की दी और मंदिर के पश्चिम में हकाल दिया। जब मंदिर के पश्चिम में आके नामदेव जी ने कीर्तन किया, भगवान को बोला था, भगवान जाते करना हो तो इंसान जात का क्यों बनाया। तब मंदिर के पीछे आके उन्होंने कीर्तन किया, जो अपने गुरु ग्रंथ साहब में शब्द दिया है, जो जो नामा हर गुण उतरे भगत जना को देवरा फिरे। ऐसा कीर्तन करने बाद पूरा कदवार घूमकर पश्चिम में आया है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। आप बोलोगे इतना बड़ा पत्थर का मंदिर है, एक कैसा घुमा होगा कैसा नहीं। घूमने के बाद इसको कुछ प्रूफ चाहिए, निशानी। तो मंदिर घूमने के ऐसे तीन निशान है। इसकी पहली निशानी है, शिव जी का जो कुंड रहता है सरोवर, वह मंदिर के आगे होता है। ये मंदिर घुमा इसलिए मंदिर के पीछे, और उस मंदिर की दूसरी निशानी, ऐसे कौन से भी मंदिर को जाओगे, मंदिर का मेन गेट जो के सारे पूरब में, ये मंदिर घुमा बल्कि इसका पश्चिम में। और इस मंदिर की तीसरी निशानी, जब यह मंदिर घुमा था तो इस मंदिर ने थल्ले से नींव छोड़ दी है, जैसा बंदा जमीन पे खड़ा है वैसे इतना बड़ा पत्थर दा मंदिर जमीन पे खड़ा है। अभी आपने जितना मंदिर का जो व्हाइट वाला हिस्सा देखा है, या औरंगजेब मुगल बादशाह मुसलमान इनने पूरा का पूरा डैमेज किया था, तोड़ दिया था। फिर इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर उन्होंने ऊपर ला नवा बनवाया है, और जितना भी जो स्टोन पत्थर दा है ये पांच और पांडव ने बनवाया है। ऊपर ला 350 साल पुराना है, और पत्थर दा 5,500 साल पुराना है। और नामदेव जी महाराष्ट्र छोड़ के अपने पंजाब में आए थे, जो गुरदासपुर जिले में घुमानपिंड गाँव आता है, इसे मंदिर के
ऐतिहासिक कहानी है। एक बार बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ वो वाला शब्द पढ़ के जो जो नामा हर गुण उचरे भगत जना को देहरा फिरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो तुसी वेख ही लिया प्यारे हो, ये जेड़ा मंदिर है ये हजूर साहब यात्रा करन जदों आपां जांदे आ ते रस्ते विच आ उत्थे हुंदा आ। इहदा नाम है ओडा नागनाथ टैंपल। ये मैं पूरी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब चैनल ते पाई है, तुसी ओह वेख भी सकदे हो। ते इहदे तीन प्रूफ जेहड़े दस्से, 270 डिग्री ओह मंदिर घूम गया ते उहदे नाल की होया, जिहड़ी फाउंडेशन है नीव जिहड़ी है ओह उत्थे हुण नहीं दिसदी क्योंकि मंदिर घूम गया फ्लैट, है ना। इसे प्रकार जिहड़ा सरोवर बनता है किसी भी मंदिर दा इंडिया विच ते ओह बस मंदिर दे सामने बनता है, पर इस मंदिर के पिछे बनिया हुआ है क्योंकि वह मंदिर पहला तो उत्थे ही सरोवर के वाल मुख सीगा उहदा, बट घूम गया तो फिर वो बैक साइड आ गई। इसी प्रकार किसी भी मंदिर का द्वार इंडिया में जिहड़ा है या वर्ल्ड में है वो पूरब वल नूं हुंदा है ईस्ट वर्ड्स, पर इस मंदिर का वैसट वर्ड्स हैगा। सो यह मंदिर घूमने की निशानियां है। सो बाणी विच भी महाराज ने कहा है जां का कहया दर गह चलै, कि भगत जन जिहड़े हुंदे ने जिहड़े वाहेगुरु जी की श्रोमणी भगती करते हैं आपा वार के उन्हां दा कहया होया दरगाह विच चलदा है, वाहेगुरु जी दे द्वार ते ही चलदा है। महाराज जी ने कहा तू भगतां के बस भगतां तान तेरा, कि भगतां नूं तां तेरा तान है, तेरा आसरा है, तेरी शक्ति है। सो हर वेले तेरा सिमरन करदे रहिंदे ने, तां इस करके तू भगतां के बस तू उहनां दे वस होया रहिंदा है। जिदां भगत चाहुंदे आ उहनां दी खुशी हुंदी आ तां उदां कर दिंदा उहनां दे वास्ते, राइट। सो प्यारे कई लोग इदां भी कई बार कह दिंदे ने कि गुरु नानक साहब जी जदों मक्का गए सी उत्थे मक्का नहीं मत फेर दित्ती सीगी। प्यारे जी भगत जी मंदिर फेर सकदे ने ते गुरु नानक साहब जी ते गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा वो तां पार ब्रह्म परमेश्वर दे रूप ने, है ना। गुरु परमेश्वर एको जान, वो तां सर्व कला समर्थ ने ते उहनां दे हुक्म विच तां सारे ब्रह्मंड घूमदे पए ने, ते मक्का फेरना उहनां वास्ते कोई वड्डी गल नहीं हैगी प्यारे। तुसी ईवन तुसी वेखो पिछली सेंचुरी विच भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी होए ने जिन्हां ने 16 साल जेल कट्टी ते पंथ वास्ते संघर्ष करदे रहे, तसीहे सहे पर चढ़दी कला विच रहे ते गुरमत दी रहणी बैणी दे रोल मॉडल सीगे। सो अगर तुसी वेखो एक बारी पंजाब विच ओ कीर्तन समागम विच सीगे ते ए पुस्तक जब पूरब जन्म के मेले संजोगी विच लिखी हुई है जिदे विच बाहुमल सिंह जी दा जीवन लिखिया होया। सो उसदे विच पेज नंबर 95 तों लैके पेज नंबर 100 दे विच तुसी ए वाली साखी पढ़ सकदे हो कि पंजाब विच इक वारी कीर्तन अखाड़ा सजिया होया सीगा ते उत्थे होया कि उत्थे मीह पैण लग पिया। सो मीह पैण लग पिया ते सिंघां ने प्लान किया कि आपां हुण मीह पै रहा है ते इत्थे दा काफ़ी गिला हो जाणा कम ते आपां अंदर गुरु साहब दा प्रकाश अंदर करके ते उत्थे कीर्तन दे अखाड़े सजा लईए ते उदा ठीक रहेगा। पर वह भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी कीर्तन की हाजरी भरते थे तो उन्हों का हुक्म का इंतजार करते होंगे सके। तो होया कि फिर मीह होर तेज होने लग पिया तो भाई साहब जी उदा ही रसपिना कीर्तन करते रहे। सो होया कि सारे सिंघां दे मन में हो गया कि हुण आपां नूं उठना पैना क्योंकि जे आपां उठे नहीं तो होना कि इत्थे पूरा पानी पानी हो जाना तो सारे कपड़े भिज जाने सारिया के। पर उस वेले भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने वजदे ते शब्द पढ़िया कि थिर गर बैस हो हर जन्म प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सो कहण दा भाव उन्होंने एक इशारा देता कि तुसी थिर गर बैस हो इत्थे बैठे रहो अपने अपने हिरदे विच नाम अभ्यास करते रहो ते इत्थे जुड़े रहो कीर्तन विच। ते उन्हां नूं पता लग्गिया कि भाई साहब दा हुक्म आ कि आपां कीर्तन विच जुड़ना आ, भावें असीं भिज गए आपां गिले हो गए कोई गल नहीं इन्ना ही तां होणा, पर आपां वाहिगुरु जी दे गुण तां गाई गाईए। सो उन्हां दे मन विच इह आया ते अगले थोड़ी देर बाद भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने थिरगर बैसो वाले शब्द की अगली पंक्ति पढ़न की जगह उन्होंने फिर केड़ी पंक्ति पढ़ी, उन्होंने पढ़ी क्या उठ उठ देखो बपड़े इन मेघ है हथ किछ नाहे, जिन ए मेघ पठाया तिस राखो मन माहे, तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे, नानक नदरी बाहरी सब करण पलाह करे। के भाव जिन ए मेघ पठाया, जिस वाहेगुरु जी ने इस मेघ नू इस बदल नू पठाया है ना उस दे वल ध्यान जोड़ो, क्या उठ उठ देखो बपड़े इस बपड़े मेघ नू की वेखदे हो तुसी, इस मेघ इस बदल दे हाथ कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि यह पानी बरसा सकता है, जब तक वाहेगुरु जी इनू हुक्म ना करन बदल नू बरसन दा तद तक यह मेघ कुछ नहीं कर सकता। जिवें कि एक बल्ब हुंदा है, एक एसी हुंदा है, एक फ्रिज हुंदा है, जब तक ए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी ये अपना फंक्शन नहीं कर सकते है। इसे प्रकार जब तक वाहेगुरु जी अपनी शक्ति सानू ना देन ते आपां कुछ नहीं कर सकते, इसे करके आपां सारे वाहेगुरु जी दे हुकम विच वाहेगुरु जी दे आसरे चलते पए हां।
ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 300 ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੂੰਦਾਬਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 97 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲਾਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਈਏ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੈਂਪਲ ਇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੈਨ ਹੀ ਖੇਮ ਹੇਅਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਸਤ ਖੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੈਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡੂ ਹਿਸ ਭਗਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਡੋਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ। ਵਾਏ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਧਾਨ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕ ਡੋਰ 'ਤੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਫੇਸਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਲ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਡੋਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਟਰੂ ਡਿਵੋਟੀ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਡੋਰ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾਤਾ ਐਂਡ ਡੋਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛਾਉਂਦੀ ਹੋਏਲਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਗਏ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸ ਰਿਵਰਸਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਦ ਜੁਗਾਨ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਰੱਖਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
देखिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेहरी। देखिए बाबा जी ये जो मंदिर पुराना है 5,500 साल पुराना, ये मंदिर पांच और पांडव ने बनवाया है। इस मंदिर को ना तीन डोर है, एक है मंदिर के दक्षिण में, उधर एक उत्तर में और एक है पश्चिम में। ये पश्चिम वाला मेन गेट इसी 1212 में यानी 750 साल पहले आ मंदिर के चढ़ते पास था पूरब में। जो महाराष्ट्र में के बड़े संत है संत नामदेव महाराज, वो पंढरपुर से यहाँ पर लंगे पर आए थे अपना गुरु कीर्तन जानकारी साखी सुनाने के लिए। तब मंदिर के चढ़ते पास से बैठ के वो गुरु कीर्तन कर रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला चालू था, तो लाखों संगत यहाँ पर दर्शन के लिए आई थी। तब उन्होंने दर्शन नहीं किया था, नामदेव जी के पास रुक गए थे भजन कीर्तन सुनने के लिए। तब अंदर को कुछ पुजारी थे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे पैसे। तब उन्होंने बाहर आके देखा एक छोटे जात का बंदा है, कुछ भी बता रहा है, इसको कोई अधिकार नहीं है। तो नामदेव जी को पूरब से धक्का बुक्की दी और मंदिर के पश्चिम में हकाल दिया। जब मंदिर के पश्चिम में आके नामदेव जी ने कीर्तन किया, भगवान को बोला था भगवान जाति भेद करना हो तो इंसान जात का क्यों बनाया। तब मंदिर के पीछे आके उन्होंने कीर्तन किया जो अपने गुरु ग्रंथ साहब में शब्द दिया है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उतरे भगत जना को देवरा फिरे। ऐसा कीर्तन के बाद पूरा कदवार घूमकर पश्चिम में आया है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। आप बोलोगे इतना बड़ा पत्थर का मंदिर है ये कैसा घुमा होगा कैसा नहीं, घूमने के बाद इसको कुछ प्रूफ चाहिए निशानी। तो मंदिर घूमने के ऐसे तीन निशान है। इसकी पहली निशानी ये शिव जी का जो कुंड रहता है सरोवर, वह मंदिर के आगे होता है। ये मंदिर घूमा इसलिए मंदिर के पीछे, और मंदिर की दूसरी निशानी ऐसे कौन से भी मंदिर को जाओगे मंदिर का मेन गेट जो कि सारे के सारे पूरब में, ये मंदिर घुमा बोल के इसका पश्चिम में। बस मंदिर की तीसरी निशानी जब यह मंदिर घुमा था तो इस मंदिर ने थल्ले से नींव छोड़ दी है, जैसा बंदा जमीन पे खड़ा है वैसे इतना बड़ा पत्थर था मंदिर जमीन पे खड़ा है। आपने जितना मंदिर का जो व्हाइट वाला हिस्सा देखा है, हाँ, औरंगजेब मुगल बादशाह मुसलमान इनने पूरा का पूरा डैमेज किया था, तोड़ दिया था। पूरा इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर उन्होंने ऊपर ला नवा बनवाया है, और जितना भी जो स्टोन पत्थर था है ये पांच और पांडव ने बनवाया है। ऊपर ला 350 साल पुराना है और पत्थर था 5,500 साल पुराना है। और नामदेव जी महाराष्ट्र छोड़ के अपने पंजाब में आए थे जो गुरदासपुर जिले में घुमानपिना गाँव आता है। इसे मंदिर ऐतिहासिक कहानी है। एक बार बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ वो वाला शब्द पढ़ के दो जो जो नामा हर गुण उचरे भगत जना को देहरा फिरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो संगत जी आप जी ने जिवें इन्हें दस्या आ कि इत्थे सगत च भगत नामदेव जी ने जिहड़ी भगती की उहदे नाल किदां कला वरती, ते इहदे तीन आपने बताए ना कि जो निशानियाँ आए जैसे सरोवर कुंड का होना और ये नीचे की जो ये जो नीचे का वर्क है ऊपर का वर्क है इसमें फर्क आ गया है, तो ये निशानी है। वैसे गुरसिखों के लिए तो महाराज ने जो बाणी में लिख दिया वो सच है। महाराज ने बाणी में लिखा है ना कि पंडियन को पिछवारला फेर दिया देहुरा नामे को, कि देहुरा तो नामदेव जी के लिए भगवान जी ने घुमा दिया और जो पंडित लोग अंदर बैठे थे उनको पिछवारला मंदिर के पीछे घुमा दिया। सो ये हमारे लिए बाणी ही सच है, लेकिन जैसे कि भाई साहब ने आपको बताया तो हमें ये सच को मानना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह भगत कबीर जी के बारे में, बाबा दीप सिंह जी के बारे में, और जिस तरह पंथ में इतने सारे शंके खड़े किए गए हैं, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो बाणी में लिखा है, अगर बाणी में लिखा है कि सतगुरु मेरा माल जी वाले, तो वो भी हो सकता है। अगर टूटी गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर, इसी तरह कबीर जी को भी परमेश्वर ने इसी तरह बचाया था जब वो गंगा जी में उनको बांध के अंदर डाल दिया गया था। सो बहुत बहुत शुक्रिया है भाई साहब का। संगत जी फिर आप दी दर्शन करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आवश्यक जानकारी, दरअसल भारतवर्ष के इतिहास में एक नहीं अनेक नामदेव जी हुए हैं, परंतु इस वीडियो में हम उन नामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं जो 15वीं सदी के मध्य भाग में, जिनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो एक शिम्पी यानी कि फैब्रिक डायर थे और जिन्होंने अपने जीवन का अखीरला समा घुमान पिंड गुरदासपुर जिले पंजाब में निकाला। तो ये नामदेव जी पहले तो सरगुण भगत थे, परंतु जब इनकी मुलाकात सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज से हुई तो उसके बाद ये उनसे प्रभावित होकर एक ईश्वरवादी बन गए और एक ईश्वर का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद से इन्होंने तीर्थ यात्रा, पत्थर पूजा, अनेक ईश्वरवाद जैसी मान्यताओं का त्याग कर दिया। ये वही नामदेव जी हैं जो कबीर जी, धन्ना जी, रविदास जी, सदना जी, सैन जी, पीपा जी जैसे अन्य भक्तों के समकाली हुए हैं। इन नामदेव जी की बाणी
धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज है और ये वही नामदेव जी हैं जिन्होंने मंदिर को घुमाया और दिल्ली में एक मरी हुई गाय को जीवित किया, अपने घर को परमेश्वर की शक्ति से बनवाया और मूर्ति को बचपन में दूध पिलाने के लिए ऑफर किया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज की वीडियो देखने का और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुने सब्सक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी अते नोटिफिकेशंस वास्ते बेल नूं रिंग करो।